Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. As you have seen the title, I am going to discuss what I do as a data scientist. First of all, मैं बता देना चाहता हूँ मैं 2020 पास आउट हूँ एज अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड इट टुक मी अराउंड 1 year टू डू द ट्रांजिशन इन टू डेटा साइंस फील्ड. मेहनत करेंगे तो हो जाएगा. ओके, एंड मेरे दिन की शुरुआत होती है मीटिंग से. मीटिंग में डिस्कस करते हैं कि वॉट इज़ द करेंट स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड हैव यू फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रोजेक्ट और नॉट. Have you done the research work or not? These all things we discuss. Meeting होने के बाद हम लोग अपना task continue करते हैं. Task assign नहीं किया जाता है किसी को. We have to take the ownership of the project and divide the task accordingly. And also people ask me कि model बना दिया, चलो मेरा solution तो हो गया. ऐसा नहीं है. You have to do a lot of deep processing and write a lot of logic in order to do the deployment into production. Okay, as you can see in my screen that I am experimenting with some of the cool stuff you can say in NLP, and I am reading some of the research paper and seeing the code and implementation, and I also write the key points that I read from the research paper so that I can remember what I learned from that research paper. Research paper पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है अभी, क्या एक रिसर्च चालू है इन द डोमेन विच यू आर वर्किंग इन. नेक्स्ट पॉइंट आई वॉन्ट टू डिस्कस, अगर आपके पास कुछ सोर्स अवेलेबल है कुछ नया सीखने के लिए, प्लीज़ डू दिस. बिकॉज जैसे कि मैं ये नया कंपनी ज्वाइन किया तो मुझे AWS के बारे में इतना डीप में नहीं पता था, हाउ टू डू डिप्लॉयमेंट इन AWS. ओके, सो आई लर्न सम ऑफ द थिंग्स, आई टुक सम ऑफ द कोर्सेस इन ऑर्डर टू लर्न. ओके, टू सम अप मैं बता देना चाहता हूँ, मैं मीटिंग करता हूँ. मीटिंग करने के बाद टास्क कंप्लीट करता हूँ. टास्क कंप्लीट होने के बाद मुझे टाइम मिला तो कुछ मैं नया सीखता हूँ, जैसे कि मैंने AWS आपको बताया. अगर वो भी हो गया तो यू कैन डू एक्स्ट्रा रिसर्च वर्क दैट यू वांट, एंड टाइम मिलेगा ही कंपनी में. ओके, थैंक यू.